अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको होममेड सैनिटाइज़र बनाना सिखाऊंगी कि किस तरीके से इजी तरीके से आप होममेड सैनिटाइज़र बना सकते हैं। इजी से ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको मार्केट से, क्योंकि सैनिटाइज़र आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मार्केट में शॉर्ट है। तो आपने होममेड सैनिटाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो है अल्कोहल 99%। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। अगर आप 100 ml की बॉटल ले रहे हैं तो आपने अल्कोहल, जो कि आपको पता है कट्स पे या कोई भी ज़ख़म हो जाए उसके ऊपर ये यूज़ होता है, तो आपने मार्केट से, मेडिकल स्टोर से ले लेनी है और तकरीबन ये आपको 100 से 150 तक मिल जाएगी। इसके साथ दूसरी चीज़ है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तब भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मार्केट की है तो ज़्यादा बेहतर रहेगी, वो भी जो है अच्छी वाली हो एलोवेरा जेल, वो डाल सकते हैं। क्योंकि आपने ये बना के सैनिटाइज़र रखना है तो आपको मार्केट वाली ही एलोवेरा जेल डालनी है। और फिर उसके बाद जो तीसरी इंग्रेडिएंट्स है वो है टी ट्री ऑयल, और आपने एक टी ट्री ऑयल लेना है। तो आपने सबसे पहले जो है एलोवेरा जेल लेना है, आप जितना एलोवेरा जेल लेंगे उसके डबल आपने अल्कोहल डालना है, यानी एक हिस्सा एलोवेरा जेल का डालना है और उसके साथ डबल क्वांटिटी आपने अल्कोहल की करनी है। जैसे आप एक कप जो ले रहे हैं अल्कोहल का, और उसके साथ आपने जो है हाफ कप एलोवेरा जेल लेना है और साथ में टी ट्री ऑयल डालना है। टी ट्री ऑयल के आपने 4 से 5 ड्रॉप्स ऐड करने हैं। ये भी एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक होता है, तो आपने ये मस्ट ऐड करना है। इसके साथ टी ट्री ऑयल के साथ, अगर आप ऑप्शनल में है, ज़रूरी नहीं है आप ऐड करें, आप कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं जिसकी भी आपको खुशबू अच्छी लगे। मार्केट में बहुत सारे एसेंशियल ऑयल मिल जाते हैं, आप कोई भी डाल सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। अगर नहीं है, ये ऑप्शनल में है, तो आप जो है इसी तरह होममेड सैनिटाइज़र बना सकते हैं। आप इसको अच्छे से मिक्स करें, करके किसी भी बॉटल में इसको महफूज कर लें, और जब भी आपने जो है बाहर से आएँ या फिर घर पे हों, हर 10 मिनट के बाद हाथों को सैनिटाइज़र से आप जो है वॉश करें, यानी आप सैनिटाइज़र लगाएं, या हैंड वॉश करने के बाद भी सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल जो वायरस बहुत फैल रहा है तो उससे इसका बहुत फ़ायदा होगा आपको, और इजी वे से बन भी जाएगा। इजी इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा 3 इंग्रेडिएंट्स हैं टोटल। अल्कोहल 99% आपने लेना है मेडिकल स्टोर से, उसके साथ एलोवेरा जेल लेनी है, उसके साथ आपने टी ट्री ऑयल लेना है, और चौथी जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऑप्शनल में है, यानी एसेंशियल ऑयल ऑप्शनल में है, मस्ट नहीं है कि आप ले। वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं और सैनिटाइज़र, होममेड सैनिटाइज़र तैयार करें। टेक केयर।